एसटीजींच्या माध्यमातून आणि महिला अधिकार भवनाच्या माध्यमातून आम्ही महिला स्त्री सशक्तीकरणासाठी काम करतो। माझ्या सोबत आहेत माझ्या पोलीस पत्नी संजीवनी देसाई, जेणेकरून आम्ही महाराष्ट्रासाठी एक नाविन्यपूर्ण योजना किंवा एक चांगला समाजाचा घटक म्हणून काम करू शकतो। हिंदी हिंदी आणि इतकं मोठं मराठी महिला सशक्तीकरण वगैरे वापरलं तर तुम्ही हेमा मालिनीची विकेट घ्यायचा प्रयत्न जरी केला तरी दोन्ही बाजूला मी आणि विलास पोतीशी बसतो की तेवढं लक्षात घ्या। सक्षमीकरण के विषय में, सबलीकरण के विषय में आप क्या कहना चाहोगी? जैसी पुलिस महिला है तो पुलिस पत्नी है, तो पुलिस पत्नी को क्या हम सलाह देना चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में इनको मजबूती से खड़े रहने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? बोलो ना। ठीक है, बस आप विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बोल रहे हैं कि महिलाएं आजकल हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, जहां तक आगे पहुंच चुके हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर नहीं, कंधे से कंधे छोड़कर भी आगे निकल गए हैं। बहुत बढ़िया काम सब जगह कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे ब्रेव हैं। हमारे मैं देखती हूँ गांव में, हमारी मथुरा क्षेत्र में, क्योंकि मैं मथुरा से जुड़ी हुई तो वहीं के महिलाओं को देखती हूँ, वहाँ पे बहुत ज़रूरी है इन लोगों को और मजबूत करने को, क्योंकि कई सालों से ये लोग अपने आप को एक डोर मैट की तरह पीछे रह जाते हैं, कि आदमी लोग इतने अग्रेसिव रहते हैं वहाँ के कि उनका आगे बढ़ने नहीं देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारे, मेरा प्रॉब्लम यही होता है वहाँ पे कि बच्चा पैदा, बहुत यंग लड़कियाँ आप देखेंगे लेकिन उनके साथ तीन चार बच्चे या बच्चे होते हैं। आई मीन इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगी कि आप सब लोग जो पढ़े लिखे हैं वो कभी कभी आकर वहाँ पर उन लोगों से बातचीत करके, उन लोगों पुलिस की बीवी होने के नाते आप लोग तो एकदम से स्ट्रांग होंगे ना। आप लोग तो पुलिस जो काम करते हैं कितना बढ़िया काम, हमारे महाराष्ट्र का पुलिस कितना अच्छा काम करते हैं, कहीं पूरे देश में देखना मुश्किल है। आप लोग उनकी बीवी होकर वट एवर उनके फैमिली के होते हुए बहुत अच्छे हैं और अच्छा काम और क्या कर सकते हैं आप लोग। मैं गोराईवन से बोल रही हूँ। राणे सर आ रहे हैं, हम लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि वो इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े काम कर रहे हैं, ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इतना चाहती हूँ हमारे सोसाइटी गोराईवन में जो लेडीज लोग हैं उन लोगों के लिए घर में कुछ काम हो या उनको कुछ हेल्प हो, जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको कुछ सेवा करने का भी चांस चाहिए लोगों का, और उनको डेवलपमेंट में चाहिए और सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा ये कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सुनील राणे के लिए अभी आने वाले हैं, आप लोगों की ब्लेसिंग से तो आप जरूर सुनील राणे के यहाँ तक, बहुत सारे महिलाओं के लिए खास तौर पर, क्योंकि हमारी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई है और साकार किया है बहुत सारी चीज। आप लोगों का सिर्फ इतना समझना चाहिए कि हमारी सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां दी हैं। अगर आप समझेंगे तो आप इससे जुड़ेंगे तो बहुत सारे काम कर सकते हैं और अपने साथ ही जितने भी महिलाएं जो अनपढ़ हैं उनको भी आगे आप ला सकते हैं। ठीक है, दिस इज लॉर्ड कृष्णा स्पेस एंड आई एम बिग डिवोटी ऑफ कृष्णा। फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स I am born in a family of Vaishnava, so I am very attached and close to Lord Krishna. लेकिन ट्रेन का टिकट नहीं चलेगा। हेमा जी के साथ मथुरा में, जब मथुरा का सबसे श्री कृष्ण भगवान का मंदिर खुलता है पहला 5:30 बजे, उस 5:30 बजे का दर्शन हेमा जी के साथ हम बोरिवली वाले सभी महिलाएं आने वाले समय में करेंगे। आपके तालियों में कोई दम नहीं है, अच्छा हो गया। ठीक है, पूछो। नमस्ते।
नमस्ते। मथुरा में आप जो सांसद है और संत के बारे में, भगवान के बारे में इतना सब आप बोल रहे हो, तो हमारे जो संत है, संत श्री आसाराम जी बापू जी, उनके 6-7 सालों से उनका उनके ऊपर जो केस चल रहा है, कुछ बोलना नहीं चाहिए, चाहिए तो उसका राज क्या है। और हर एक कैसे आप वहाँ पे खड़ी है, मुझे भी लगता है कि काश फ्यूचर में मैं भी वहाँ पे जाऊँ, तो वो सक्सेस का राज कर क्या कर सकते हैं आप? आप जो सब राज के हैं, सक्सेस का यही कारण है लगातार हार्ड वर्क, डिवोशन, क्लियर वर्क, नाइट नाइट देखने का नहीं, अगर काम करना है तो पूरा उसका एक लक्ष्य रख के आगे जाना है। जोरदार धन्यवाद। आमंत्रित हूँ मैं आपको सवाल नहीं पूछूंगी क्योंकि मैं आपकी तारीफ करना चाहती हूँ। मैंने मथुरा गई हूँ खुद, और जब हम लोग देखते हैं कि बीजेपी सरकार काम करती है, बीजेपी सरकार काम करती है, तो महिलाओं को हमेशा अदर पार्टी में एक सेकंड प्लेस दिया जाता है। लेकिन मुझे कहने में बहुत प्राउड फील हो रहा है कि नरेंद्र जी मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ऐसे सक्षम महिलाएं जैसे आप हैं, स्मृति ईरानी जी है, सुषमा स्वराज जी थी, उन्होंने एक वो जो वुमन एम्पावरमेंट बोलते हैं वो सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं रखी। इतना आपने मथुरा अच्छा किया है, बहुत सारे लोगों को आप बुला रहे हो, मैं जाके आई हूँ, जो काम पहले नहीं हुआ था वो वहाँ पे हो रहा है, और आप बोल रहे हैं कि कला के माध्यम से मैं समर्पित थी या कला के लिए आप थी, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगी कि कला ये जो आपका जो स्टेट था वन, लेकिन आप राजनीति में कहीं कम नहीं हो, बहुत सारा आपने काम किया है, धन्यवाद। और सुनील जी जैसे